देश के दूसरे सबसे बड़े प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर जो कि झारखंड के रजरप्पा में स्थित है, वहां शारदीय नवरात्रि की तैयारियां पूरी हो चुकी है। देश के कोने कोने से भक्त मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर के पुजारी सुबोध पांडा ने बताया कि शारदीय नवरात्र के दौरान विशेष अनुष्ठान और पूजा अर्चना की जाती है। माँ छिन्नमस्तिका की विशेष पूजा और दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। रामगढ़ के SP ने बताया कि जिला प्रशासन ने मंदिर के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी है ताकि भक्तों की सुरक्षा और सुव्यवस्था का ध्यान रखा जा सके। भारत के दूसरे सबसे बड़े सिद्धपीठ मंदिर मां छिन्नमस्तिका मंदिर में मौजूद है। नवरात्र आज से शुरू होने वाला है, जिसको लेकर आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। यहां पर सजावट का जो काम है वो लगातार चल रहा है कोलकाता के कारीगरों द्वारा। इस वक्त हमारे साथ सुबोध बाबा है, इनसे बातचीत करेंगे। बाबा बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माता दी, जय मां छिन्नमस्तिका। शारदीय नवरात्र का आज पहला दिन है, आज के दिन क्या कुछ व्यवस्था है और लगातार मंदिर को सजाया जा रहा है? कई माँ के दरबार है, व्यवस्था ही व्यवस्था है। माँ के दरबार में आइए, माथा टेकिए, भगवती से मानिए। मंत्र तंत्र जाने न जाने, लेकिन भगवती के चरण के पकड़िए, उन पर समर्पित हो जाइए, नमन कीजिए। माँ को चरण पकड़िए, आपका सब मनोकामना पूर्ण होगा। भगवती को मांगना नहीं पड़ता है, सिर्फ उनको समर्पण होना पड़ता है। समर्पण हो के तो देखिए, मैं तो कहूंगा भक्तों से कि आप दरबार में आइए, माँ के शरण में आइए, पढ़िए, माँ से कुछ मांगना नहीं, सिर्फ माथा टेकिए, आपका हर मनोकामना पूर्ण होगा। मंदिर न्यास समिति के द्वारा क्या कुछ व्यवस्था किया जा रहा है, क्योंकि भारी संख्या? व्यवस्था न्यास समिति और जिला प्रशासन दोनों मिलकर ही हर बार, आज नहीं हर बार, दोनों का तालमेल से, दोनों का आपस में मिलाकर ही सारा विधि व्यवस्था होता है, सुंदर ढंग से चलाते हैं। और हमारे जिला प्रशासन बहुत हेल्प करते हैं हमारे मंदिर को, न्यास समिति को। तो जैसा कि आपने देखा, इस समय सुबोध बाबा के द्वारा तमाम जानकारियां दी गई। इसके बाद आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से मंदिर को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मंदिर देख सकते किस प्रकार से भव्य रूप से सजाया गया है, कोलकाता के खुशबूदार और रंग बिरंगे फूलों से। इस समय देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि नीचे हवन कुंडों में लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं पूजा पाठ करने के लिए। और आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि यहां भारत के तमाम राज्यों से, कोने कोने से लोग यहां पहुंच रहे हैं मां की आराधना और पूजा करने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि मां छिन्नमस्तिका मंदिर में नवरात्र के उपलक्ष्य में श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अभी हम कुछ श्रद्धालुओं से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि नवरात्र में क्या कुछ खास होता है। सभी यहां पे 80 लाइसेंसी पंडाल है और लगभग 40 गैर लाइसेंसी पंडाल है। सभी को, सभी पूजा पंडालों के साथ में थाना और सेंट्रल लेवल पे पीस कमेटी की बैठक कर ली गई है। और पूजा पंडाल में विशेष रूप से CCTV लगाने, जो फायर के लिए कहीं आग लग जाते हैं उसके लिए गैस सिलेंडर और बालू की व्यवस्था करने, इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी को ऐसे तार नंगे ना हो, उसके बाद महिलाओं और पुरुष के लिए अलग से लाइनें हो, और खासकर पार्किंग की व्यवस्था हो, और कोई भी अगर मेला घूमने के लिए श्रद्धालु आते हैं तो बच्चे और महिलाओं का विशेष रूप से ख्याल रखें और अपनी गाड़ियों को पार्किंग स्थल पर भी पार्क करें। इस जो फेस्टिवल है उसकी पवित्रता को बना के रखे और कोशिश करें कि हम गलत कार्यों में संलिप्त नहीं हो, बल्कि इस दशहरा में हम कुछ अच्छे काम करने की हम प्रण लें और हम अपने समाज को, अपने राज्य को आगे बढ़ाएं। यहाँ पे पुलिस प्रशासन के अलावा मजिस्ट्रेट भी तैनात किए जा रहे हैं। यहाँ पे चप्पे चप्पे पे जितने गेट हैं, पार्किंग है, निकासी द्वार है, मंदिर का परिसर है, सब जगह पे आप देख रहे होंगे पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। और उसका अभी हम, मेरे द्वारा निरीक्षण भी किया जा रहा है, जहाँ कोई कमी होगी तो और भी पुलिस बल दिए जाएंगे यहाँ पे और पूरे मंदिर की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। तो इस वक्त हम मंदिर प्रांगण में आ चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पर कई श्रद्धालु जो है अन्य राज्यों से भी आए हुए हैं, तो इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तमाम जो श्रद्धालु है माँ के दर्शन के लिए आए हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहला दिन है, आज पहला दिन, बहुत खुशी लग रहा है, आए हैं माँ का दर्शन के लिए। पहली बार आए से पहले भी आए? हाँ, पहले आए हैं, यही बात है, नहीं यही पहला बार है, पहला बार है। सजावट देख के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी लग रहा है।
सपरिवार आए हैं। हाँ, सपरिवार आए हैं। क्या कुछ कांची सा है, कैसा लग रहा है रजरप्पा मंदिर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही स्पिरिचुअल फील हो रहा है और काफी धन्य। आज नवरात्र का पहला दिन ऐसा माना जाता है कि जो भी मनोकामनाएं होते हैं भक्तों का उनका पूर्ण होता है, ऐसे में आप यहाँ आए हुए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? माँ छिन्नमस्तिके के दर्शन से सारे मनोकामनाएं पूर्ण होती है और काफी ये अपना काफी प्रसिद्ध मंदिर है ये, वहाँ पे जो भी जो मांगते हैं सच्चे मन से वहाँ पे उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती है। और मैं भगवान से भी प्रार्थना करूंगा कि सारे सभी लोगों की इच्छा पूरे हों, सबका सुखाल जीवन और सुखी समृद्धि रहे। देख सकते किस प्रकार से तमाम जो क्षेत्र है, राज्य है, वहाँ से भक्त आ रहे हैं। इस साथ ही बताते कि भारत के कोने कोने से भी लोग भक्त जो है माँ छिन्नमस्तिका मंदिर पहुँचते हैं और यहाँ पूजा आराधना करते हैं। तो अभी आपको हम अंदर ले चलते हैं मंदिर के अंदर और दिखाते हैं मंदिर का नजारा। कैमरा के माध्यम से आप देख सकते हैं किस प्रकार से पूरा जो मंदिर प्रक्षेत्र है उसको बेहतरीन फूलों से सजाया गया है कोलकाता के कारीगरों द्वारा। यहाँ कई अन्य लोग भी, इनसे भी हम लोग बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कहाँ से आए हैं सर? हम आए हैं ये बोकारो चंदन क्यारी से। चंदन क्यारी, कैसा लग रहा है? नवरात्र का पहला दिन है। बहुत अच्छा लग रहा है, डेकोरेट भी बहुत मस्त हुआ है और बहुत अच्छा है। ठीक है, सब अच्छा लग रहा है। आज मौसम भी बहुत अच्छा है, सो ऑल थिंग्स इज गुड। देख सकते तमाम जो भक्त यहाँ आ रहे हैं, यहाँ के जो फूल और तमाम जो सजावटें देखकर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आपको बता दें, देख सकते हैं आप कैमरे के माध्यम से तमाम जो लोग है परिक्रमा करते हुए मुख्य मंदिर में प्रवेश करते हैं और यहाँ पूजा पाठ करते हैं। लग रहा है खूब बढ़िया लग रहा है, मनोकामना पूर्ण होता है ऐसा माना जाता है। हाँ, इसीलिए हम आए हैं, सपरिवार आए हैं। खूब बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। पहली बार आए हैं। ऐसा लग रहा है। सब प्रथम शक्ति का प्रादुर्भाव होने के पहले माँ शैलपुत्री का ही पूजा होता है। नवरात्र में या सप्तशती में अगर सबसे पहले कहा जाए प्रथमम शैलपुत्री द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तो पहला दिन शैलपुत्री हिमांचल की बेटी माँ पार्वती उमा के रूप में उनका पूजा होता है। और बड़ी सौम्य भाव पर, बड़ी सहज भाव में रहने वाली माता का उपासना लोग करके अपने आप को भी सहज महसूस करते हैं। हर तरह का दुखों का अंत करने वाली माँ शक्ति का उपासना प्रारंभ होते ही मन गदगद हो जाता है। जितने भी भक्त चारों तरफ से आकर के खास करके शक्ति पीठ में और छिन्नमस्तिका धाम के अगल बगल में आसपास में रह के जो पाठ जैन केन प्रकारेण भी होता है तो उसका महत्व सबसे बड़ा होता है। माँ का दर्शन कर रहे हैं और नवरात्र में ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्तगण यहाँ पहुँचते हैं और जो भी उनके मनोकामनाएं होती है वो पूर्ण होती है। रजरप्पा से रफ्तार मीडिया के लिए विजय चंद्रा की रिपोर्ट।